हे गाइस, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस और आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आसमां को छूकर देखा तारों की। हर एक लॉ किसी ना किसी एक्ट से चलते हैं, तो हमारा इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चलता है, जो कि बताता है कुछ प्रोविजंस रिगार्डिंग इनकम टैक्स। प्रोविजंस यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के रिलेटेड प्रोविजंस, या फिर क्या असेसमेंट होगा उसका प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोविजन बताता है, और ये भी बताता है कि पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, बट वो पूरे इंडिया पे इफेक्टिव कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। 1 अप्रैल यानी कि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से। फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल to 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो इनकम टैक्स एक रिवेन्यू लॉ है। रिवेन्यू लॉ यानी कि जो रेगुलर इनकम पे रेगुलर हमारी इनकम अर्न करते हैं हम, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू नेचर का। रिवेन्यू नेचर होता है और एक कैपिटल नेचर होता है। रिवेन्यू नेचर मतलब कि एक साल में काफ़ी बार रेगुलरली हमें मिल रही है इनकम, और कैपिटल नेचर मतलब कि या फिर एक साल में एक बार मिलना, ठीक है। तो इनकम टैक्स हमारा एक रिवेन्यू लॉ है जिसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत हर साल पड़ती रहती है। तो हर साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो यूनियन बजट पेश करती है पार्लियामेंट के सामने। उसके अंदर क्या होता है, एक फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जाता है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने एंड उसे अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट, ओके। और फाइनेंस बिल क्या कंसिस्ट करता है? फाइनेंस बिल बताता है फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो जो उन्हें कदम उठाने हैं फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए, ये वो बताता है। और कंटेन्स करता है कुछ अमेंडमेंट्स, मतलब पिछले साल के एक्ट में से कुछ चीज़ें नहीं कर देता है फाइनेंस बिल। तो जब ये अप्रूव होता है प्रेसिडेंट से, तब ये क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। और इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ओके। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट कुछ पावर देता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, इट लेज डाउन द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो ये एक पावर भी देता है रूल्स बनाने की, जिसे कहते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962, जो कि कौन बनाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, जो कि आता है सेक्शन 295 के अंदर। मतलब इनकम टैक्स एक्ट पावर देता है इस अथॉरिटी को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, ओके। तो जो सेक्शन हमें इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बताता है वो सेक्शन है सेक्शन 1। तो गाइज ये तो बात हो गई एक्ट की। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो इनकम टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनकम का पता होना ज़रूरी है कि इनकम होती क्या है। इनकम एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बट मैंने इसका छोटा सा डेफिनेशन इसकी लिखी है कि इनकम वो रिसीट्स हैं जो कि फॉर्म मनी की फॉर्म में होती है, या फिर मनी इज़ वर्थ की फॉर्म में होती है। मनी इज़ वर्थ यानी कि जिसकी वैल्यू हो, जिसकी मनी में वैल्यू हो, और जो अर्न करते हैं हम ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे कि रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं, वो रिसीट्स जो कि आती है रेगुलर बेसिस पे। ये कैपिटल रिसीट्स नहीं होती है। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो कि हम एक साल में या तो एक दो बारी अर्न करें, ठीक है। इनकम वो तभी कहलाएगी जब वो हम अर्न कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम अ डिफाइनाइट सोर्स। डिफाइनाइट सोर्स का मतलब, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक एम्प्लॉई हो और आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, तो वो एम्प्लॉयर आपका एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आप इनकम रिसीव कर रहे हो, ओके। या फिर मैं इसको इनकम टैक्स एक्ट के लैंग्वेज में बोलूँ, एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो इसके अंदर ग्रोस टोटल इनकम आती है एंड टोटल इनकम आती है। ग्रोस टोटल इनकम हम फाइंड आउट करेंगे एंड टोटल इनकम भी फाइंड आउट करेंगे अगले वाले चैप्टर्स में जाके, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं प्रैक्टिकल उसमें जाके। तो ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, जो भी 5 हेड्स हैं हमारे इनकम के, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, PGBP, अदर सोर्सेज, तो इनमें से जो इनकम निकलेगी वो हमारी होगी ग्रोस टोटल इनकम। और इनमें से हम डिडक्ट करेंगे कुछ डिडक्शंस जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताई गई हैं, सेक्शन 80 जिसे हम कहते हैं, वो डिडक्ट करेंगे और तब हमारी निकल के आ जाएगी टोटल इनकम। देन टोटल इनकम निकलने के बाद हम टैक्स लाइबिलिटीज़ कंप्यूट करते हैं कि कितना हमें टैक्स देना है। तो गाइस ये तो हो गई इनकम की बात। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, तो गाइज इसको नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट करो इसको नोटबुक में, इसी पे ही आगे सब बेस्ड है। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लो पर्सन्स को, पर्सन अंडरलाइन कर लो, टोटल इनकम अंडरलाइन कर लो, प्रीवियस ईयर अंडरलाइन कर लो, मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडरलाइन कर लो, असेसी अंडरलाइन कर लो, उसके बाद असेसमेंट ईयर अंडरलाइन कर लो,
एंड प्रिस्क्राइब्ड रेट्स अंडरलाइन कर लो। तो गाइज़ ये तो थी आज की वीडियो, अगली वीडियो ज़रूर देखना। अगली वीडियो से हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है। अगली वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि होता है एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं। मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं।